खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। हरदोई में कोरोना वायरस महामारी संक्रमण से बचाव के लिए चल रहे लॉकडाउन के अंतर्गत 3 समाजवादी योद्धा लगातार 27वें दिन से दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालने असहाय गरीबों व जरूरतमंदों के घर घर पहुँच कर उन्हें खाद्य सामग्री वितरित करने का कार्य कर रहे हैं। इन समाजवादी कोरोना योद्धाओं का कहना है कि वे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर कोशिश कोई भी भूखा न रहे के चलते ये कार्य कर रहे हैं। आज 37वें दिन समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव संजय कश्यप, समाजवादी छात्र सभा के निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव मुकुल सिंह आशा, समाजवादी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के निवर्तमान जिला अध्यक्ष रामज्ञान गुप्ता ने खाद्य सामग्री वितरित की। समाजवादियों ने लोगों से अपील की कि लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सपा नेता ने कहा कि वे लोग एक छोटी सी कोशिश कर जरूरतमंद परिवारों तक घर घर राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो कि बेहद गरीब व जरूरतमंद है। लॉकडाउन रहने तक वे लोग ऐसे जरूरतमंद लोगों का सहयोग करते रहेंगे। हम समाजवादी लोग जब से लॉकडाउन हुआ है तब से गरीब असहाय जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री, भोजन, सैनिटाइजर, मास्क आदि वितरित करने का काम लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ में छात्र सभा के निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव मुकुल सिंह आशा जी, मुलायम यूथ ब्रिगेड के निवर्तमान जिला अध्यक्ष रामगन गुप्ता जी लगातार गरीब जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और मदद करते रहेंगे। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।